और इसका जो फुल फॉर्म होगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में डब्ल्यू ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो डब्ल्यू ने डब्ल्यू कोविड नाइन्टीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और डब्ल्यू का जो मुख्यालय है वह जो है जिनेवा में है और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वह है टेड्रोस एडहोनोम है और इसके जो उप महानिदेशक हैं वह सौम्या स्वामीनाथन हैं जो एक इंडियन है आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं तो यह जो है चाइना के जोंग सेंजा बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और इन्होंने जो है मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है और इनकी जो कुल कमाई है वह सतर दशमलव आठ अरब डॉलर है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है तो यह जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है स्काई रोज नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं इन्होंने जो है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है और यह जो है एक पुर्तगाली फुटबॉलर है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग प्राप्त किया है तो यह जो है जौहर आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग प्राप्त किया है तो आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सी किसे चुना गया तो यह जो है सुनील शर्मा को चुना गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में और यह जो है वीके यादव की जगह लेंगे देखते देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत का सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो यह जो है लेह में किया गया है भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का और इस केंद्र की के जो ऊंचाई है वह तीन हज़ार पाँच सौ मीटर है देखते देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है तो यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है निमोसिल को विकसित किया है और इसी के जो सी हैं सी जो है वह आदार पूना वाला है और इन्हें जो है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में महिला दुतराई किस राज्य का अड़तीसवां जिला बना है तो यह जो है तमिलनाडु का अड़तीसवां जिला बना है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह के पलानी स्वामी हैं पलानी स्वामी हैं और वहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं वह बनवारीलाल पुरोहित हैं बनवारी लाल पुरोहित देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा रक्षा मंत्रालय ने दिया है तो यह जो है एल डिफेंस को जो है रक्षा मंत्रालय ने ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस फूल की नई प्रजाति का लालजी खोजी गई है तो यह जो है सन रोज़ की एक नई प्रजाति खोजी गई है और यह जो है पूर्वी घाट में पाए जाना वाल पाई जाने वाली एक जंगली सन रोज है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत के सिक्सटी सेवन्थ ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो यह जो है लियोन मेंडोका बने हैं भारत के सड़सठवें ग्रैंड मास्टर और यह जो है गोवा के हैं और इनकी जो उम्र है वह चौदह साल है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है तो यह जो है उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक बनाने का आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त रूप में किसे चुना है तो यह जो है उमेश सिन्हा को चुना है उप चुनाव आयुक्त के रूप में और वर्तमान में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह सुनील अरोड़ा है सुनील अरोड़ा आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है तो यह जो है सोमा मंडल जी ने सेल के नए अध्यक्ष बनी हैं और यह जो है सेल के पहली महिला प्रमुख बनी है और सेल का जो फुल फार्म होगा वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो यह जो है ओडिशा राज्य में किया गया है देश का पहला फायर पार्क और इसका उद्देश्य है कि अग्निकांडों से संबंधित सभी को जागरूक करना है इस पार का उद्देश्य है आए देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखेंगे तो यह जो है राजकोट में रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी एम्स की आधारशिला आई देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा बल्लेबाज पहुंच गया है तो यह जो है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जी हैं जिन्होंने आईसीसी सी सी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने शुरू किया है तो यह जो है आर ने शुरू किया है डिजिटल भुगतान सूचकांक आर की जो स्थापना हुई थी वह एक अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह एक जनवरी उन्नीस को इसकी इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था और वर्तमान में जो है इसके जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं और यह जो है आरबीआई के पच्चीसवें गवर्नर हैं आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एक लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है तो यह जो है बजाज कंपनी बनी है एक लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले और इसके जो संस्थापक थे वह जमुना लाल बजाज थे और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह राहुल बजाज है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है तो यह जो है यफोन रेस के ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन है इन्हें जो है नाइटहुड के की उपाधि से सम्मानित किया गया है और नाइटहुड की उपाधि जिसे मिल जाती है उसके नाम से पहले जो है सर लगाया जाता है इससे पहले कैप्टन कुक को मिला था जो एक क्रिकेटर थे और भी लोगों को मिला है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को किस देश ने बदल दिया है तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है पहले जो है यंग शब्द था उसको जो चेंज करके वहाँ पे वन कर दिया गया है और इसका जो पूरा वाक्यांश था फॉर वी आर यंग एंड फ्री था उसको अब चेंज करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है तो यंग को चेंज करके वन से आए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग किस राज्य के इक्कीस वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे कम उम्र की युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है तो यह जो है केरल की है रेशमा मरियम जो सबसे कम उम्र की युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है और यह जो है पुलम ग्राम पंचायत में चुनी गई है पुलम ग्राम पंचायत में चुनी गई है आए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है तो यह जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं इन्होंने जो वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन दो का उद्घाटन किया है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है तो अब जो है खिलाड़ियों को जो छूट दी जाती थी रेलवे में अब वह बंद कर दिया गया है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत को कितने सालों के लिए आई समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बनाया गया है तो भारत तीन साल के लिए सह अध्यक्ष बनाया गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश ने पारित किया है तो यह जो है अमेरिका ने पारित किया है मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लिहासा और निगंची शहरों को जोड़ने की एक रेल लाइन पूरी की है तो आप लोग जानते ही हैं कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जा में लेने की कोशिश करता रहता है तो यह जो है उसी करीब बनाया है रेलवे की लाइन आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से के सम्मानित किया गया है तो ये एक्टर हैं धनुष इन्हें जो है दादा साहब फालके पुरस्कार दक्षिण का दिया गया है आ देते हैं अगला प्रश्न को प्रश्न हम लोग हाल ही में एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है तो यह जो है संस्कृत मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की जो है संयुक्त पहल है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर हैं तो यह जो है जेफ बेजोस हैं प्रथम स्थान पर और यह जो है अमेजन के संस्थापक हैं अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेज़ोस। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा तो यह जो है केरल में आयोजित किया जाएगा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव और यह जो महोत्सव होगा वह 12 से 19 मार्च के मध्य होगा आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को किस देश ने समाप्त कर दिया है तो यह जो है कजाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है मृत्युदंड की सजा को और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है नूर सुल्तान आए आज़ित देते हैं अगला प्रश्न लोग पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है तो यह जो है क्लियर पोलोस्क बनी है पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने के और यह जो है एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के बीच जो है यह हुआ है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हिमा कोहली किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है तो यह जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर एक मेगावाट की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है तो यह जो है आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में इंडियाज सेवेंटी वन ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह जो पुस्तक है यह आर कौशिक जी ने लिखी है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत ने किस देश से ग्यारह तोपें खरीदने के लिए तीन हज़ार आठ सौ करोड़ रुपए का सौदा किया है तो यह जो भारत ने अमेरिका से ग्यारह तोप खरीदने का फैसला किया है देखते हैं अगला प्रश्न हाल ही में जारी हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स दो में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है तो हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स दो में प्रथम स्थान पर जो है जापान है और भारत का जो स्थान है वह 85 है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष दो हज़ार में भारत के अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है तो जो अनुमान लगाया वह माइनस नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट का गिरावट का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे बनाया गया है तो यह जो है करण बाजवा को बनाया गया है एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख आए देते हैं अगला प्रश्न लोग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है तो यह जो है कारगिल में हुआ है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट आए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम रेंज के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो भारत और इजराइल ने जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो यह जो है एनम है बिहार की रंजू इन्हें जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बने हैं तो यह जो है मार्कस रेस्फोर्ड है जो दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर चुने गए हैं आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टाइक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किनके मध्य शुरू हुई है तो यह जो है न्यू रेवाड़ी से न्यू किशनगढ़ मदार के मध्य जो चालू की गई है और यह जो ट्रेन है यह आप लोग मालगाड़ी देखे होंगे तो मालगाड़ी में जो है इस पर जो कंटेनर लगा रहेगा और एक कंटेनर के ऊपर जो है दो कंटेनर यहाँ पे हो जाएगा तो टोटल जो है दो कंटेनर लेकर चलेगी ट्रेन तो यह जो है डबल स्ट्राइक गई आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन किस राज्य ने शुरू की है तो यह जो है कर्नाटक राज्य ने शुरू की है कृषि संजीवनी वैन की आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ बनाया गया है तो यह जो है मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है देश का पहला बौद्ध थीम पार्क आदिंत अगला प्रश्न लोग हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं तो यह जो है डॉक्टर राज अय्यर बने हैं अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी पहले यह पद नहीं होता था यह एक नया पद है और उसी पद पे जो है इन्हें नियुक्त किया गया है राज अय्यर जी को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है तो इसका जो विषय है वह आत्मनिर्भर भारत में योगदान और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गेट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है तो यह जो रिपोर्ट है यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग भारत का पहला स्की पार्क कहाँ बनेगा तो यह जो पार्क है यह हिमाचल प्रदेश में बनेगा और इसमें जो है कुल 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन इडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है तो यह जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन का शुभारंभ किया है हाल ही में फतेहवन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है तो यह जो है परीक्षण है यह पाकिस्तान ने किया है और इसकी जो मारक क्षमता है कुल वह एक किलोमीटर है और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वह आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री हैं वह इमरान खान हैं वर्तमान में आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में राष्ट्रपति जो बिडेन ने अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है तो जो बिडेन ने जो है मेरिक गारलैंड को जो है अटारनी जनरल के रूप में नियुक्त किया है और यह जो है एक जज है मेरिक गारलैंड आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा है तो यह जो टीम है यह कुल सोलह हजार किलोमीटर की दूरी जो है तय की है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है तो यह जो है यो द्वारा जारी किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स और इसका जो फुल फॉर्म होगा वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा यफ ए ओ का फुल फार्म. और इसका जो मुख्यालय है वह रोम में स्थित है और रोम जो है इटली में स्थित है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया है तो यह जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में शुरू किया गया है थैला बैंक की आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में टाइमलेस महिंद्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह जो पुस्तक है यह आदिल जल दारू खान वाला ने लिखी है टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में सिनेमा हॉल में सौ प्रतिशत ऑक्युपेंसी की अनुमति किस राज्य सरकार ने दे दी है तो यह जो अनुमति है यह पश्चिम बंगाल सरकार ने दे दी है कि सिनेमा हॉल में सौ प्रतिशन अब खोले जा सकते हैं सिनेमा हॉल आ देते हैं अगला प्रश्न लोग स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के लिए किसने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान की शुरुआत की है तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू की है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफार्म एडल किसने लॉन्च किया है तो यह जो है वाडा ने लॉन्च किया है एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म को और वाडा का जो फुल फुलफार्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है वाडा का फुल फुलफार्म आई देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है तो यह जो दिवस है हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है और इंडिया में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है यह जो है चौदह सितंबर को मनाया जाता है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोफोपिक के द्वारा सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में प्रथम स्थान पर हैं तो यह जो है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा दान करने वाले सूची में आ देते हैं अगला प्रश्न लोग आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा तो यह जो है बी के सचिव हैं जयसाह वह है जो है आई में बी का प्रतिनिधित्व करेंगे और बी के जो चेयरमैन इस टाइम हैं वह है सौरव गांगुली जी हैं आ देते हैं अगला प्रश्न लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जी के अनुसार किस राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में अंदाज़ा लगाया गया है कि वेनेडियम के भंडार प्राप्त किए जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा संस्कृत और भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया है तो यह जो है जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में जो है समिति बनाने का फैसला किया गया है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे आई देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में अमरेली ज़िले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है तो यह जो है गुजरात राज्य सरकार ने लिया है अमरेली ज़िले में एक नया बक्सरा प्रांत बनाने के लिए और गुजरात में कुल वर्तमान में जो है कुल तैंतीस डिस्ट्रिक्ट हैं तैंतीस डिस्ट्रिक्ट हैं आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में अपने संविधान को जानू नामक पहल किसने शुरू की है अपने संविधान को जानू नामक पहल जो है वह केंद्र सरकार ने शुरू की है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ है तो यह जो है फेस्टिवल है यह मणिपुर में आयोजित हुआ है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन ईको बुक लॉन्च किया तो है तो मणिपुर के गवर्नर जो हैं नाजमा हेपतुल्ला जी ने मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन ईको बुक को लॉन्च किया है और मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह एन बीरेन्द्र सिंह हैं एन बीरेन्द्र सिंह हैं आई देते हैं अगला प्रश्न हाल ही में जारी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने परसेंट महिलाएं हैं तो महिलाओं का जो परसेंट है वह दस दशमलव तीन परसेंट जो काफ़ी कम है देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जो बिडेन ने सी आई ए का निदेशक किसे नियुक्त किया है तो सी आई ए का निदेशक जो है वह विलियम बंस को नियुक्त किया है जो बिडेन ने आज हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस ओलंपिक चैंपियन ने अपना सवा जन्मदिन मनाया है तो यह जो है हंगरी की खिलाड़ी, के खिलाड़ी अग्नेश कैलेटी हैं जिन्होंने अपना सवा जन्मदिन मनाया है और इन्होंने कुल जो है दस ओलंपिक पदक जीते हैं और इन्हें जो है क्वीन ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो हाल ही में पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है तो यह जो है हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है पीपली को पर्यटन हब बनाया जाएगा आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में इक्यानवे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किस देश को चुना गया है तो फोकस हाल ही में इक्यानवे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किस देश को चुना गया है तो बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है इक्यानवे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में और यह जो महोत्सव होगा यह 16 से 24 जनवरी के मध्य हुआ है मध्य हुआ है और यह जो है गोवा में हुआ है आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य के, के मुख्यमंत्री ने किया है तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया है तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह बारह जनवरी को मनाया जाता है हर साल और यह जो है विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं तो बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेगपेल बने हैं और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी यह उन्नीस में हुई थी और यह जो है बंगाल की खाड़ी से लगे देश देशों का एक समूह है जिसमें जो है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड देश शामिल हैं आए जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह जो पुरस्कार है यह हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर विनय भारद्वाज को दिया गया है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में फुटबॉल इतिहास का संयुक्त तो सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं तो यह जो है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं फुटबॉल इतिहास का संयुक्त तो सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं इन्होंने जो है वह जेसब बिकान और पेले को पीछे कर दिया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है तो यह जो है अमेरिका के नासा स्पेस एजेंसी ने जो है लॉन्च किया सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस सिस्टम को आए देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र कॉप ट्वेंटी सिक्स जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है तो यह जो है आलोक शर्मा को नियुक्त किया है ब्रिटेन ने और यह जो सम्मेलन होगा यह नवंबर मध में में होगा स्कॉटलैंड के ग्लास्को शहर में होगा कॉप ट्वेंटी सिक्स जलवायु सम्मेलन आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के तेरहवें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है तो यह जो है भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार जी हैं इन्होंने जो है भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के तेरहवें संस्करण की अध्यक्षता की है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस देश में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियों को जो है तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में सी आई एस एफ के नए प्रमुख कौन बने हैं तो यह जो है सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं सी आई एस एफ के नए प्रमुख आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है तो यह जो है ओडिशा सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र को समुद्र तट को जो है विकसित करने का निर्णय लिया है आ हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है तो यह जो है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इस फिनाले का जो है उद्घाटन किया है हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जारी होरून ग्लोबल पाँच रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है तो इस रिपोर्ट में जो है ग्यारह भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है होरन हुरु ग्लोबल पाँच रिपोर्ट में आ देते हैं अगला प्रश्न लोग द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह जो पुस्तक है यह एस वाई कुरैसी ने जी लिखी है पुस्तक को आ देते हैं अगला प्रश्न लोग फिच रेटिंग के अनुसार भारत के वित्त वर्ष दो में कितनी प्रतिशत रहेगी तो भारत की जो जी है वह जो है माइनस परसेंट रहेगी फिच रेटिंग के अनुसार भारत की जी डी है। देते हैं अगला प्रश्न हम लोग हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई है तो यह जो है खोज यह इंडोनेशिया में की गई है और यह जो तस्वीर मिली है यह जंगली सुअर की मिली है और यह जो लगभग साढ़े पैंतालीस हज़ार वर्ष पुरानी तस्वीर मिली है चित्रकला साढ़े पैंतालीस हजार वर्ष आते अगला प्रश्न लोग हाल ही में करुणा अभियान 2021 किस सरकार ने शुरू किया है तो यह जो है गुजरात रस रस सरकार ने शुरू किया है करुणा अभियान को और इसका जो उद्देश्य है वह बेजुबान पशुओं और प्राणियों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है आज देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है तो यह कार्ड जो है यस बैंक ने लॉन्च किया है वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड आ देते अगला प्रश्न लोग किस एम्स ने तीसरी बार कायाकल पुरस्कार जीता है तो एम्स भुवनेश्वर ने जो है तीसरी बार कायाकल पुरस्कार को जीत लिया है आज देते अगला प्रश्न लोग दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन सा शहर बन रहा है तो यह जो है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर बन रहा है दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा को अगला प्रश्न है हाल ही में आर ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है तो यह जो है बैंक है यह महाराष्ट्र का बैंक है जिसे आर ने आई जिसका लाइसेंस जो है आर ने निरस्त कर दिया है हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है तो भारत ने जो है यू के साथ समझौता किया है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में इंटेल के नए सी कौन बने हैं तो इंटेल कंपनी के जो है नए सी बने हैं वह पेड जयसिंगर जी बने हैं और इंटेल जो है एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी यह जो है अड़सठ में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह जो है कैलिफोर्निया में है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में स्वदेशी रूप से एक माइक्रोक्रॉप्टर किसने विकसित किया है तो यह जो है जीवाई के रेड्डी जी ने विकसित किया है स्वदेशी रूप से माइक्रोक्रोप्टर को और इसका जो उपयोग किया जाता है वह इमारतों के अंदर छिपे आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला आठवां राज्य कौन सा बना है तो यह जो आठवां राज्य बना है वह केरल बना है और इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना थे और जो आठवां राज्य बना है वह केरल बना है आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है तो मनीष चौहान को जो है पुर्तगाल में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और पुर्तगाल की जो राजधानी है वह जो है लिस्बन है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है तो भारत ने जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी की है स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं वह बोरिस जॉनसन जी हैं बोरिस जॉनसन आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई को विकसित किया है तो भारतीय सेना के साथ डी ने मिलकर जो है पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई को विकसित किया है और इसकी जो रेंज है वह 100 मीटर है आ हैं अगला प्रश्न लोग भारत की पहली नई विदेश नीति एक अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी तो यह जो है पाँच वर्षों के लिए लागू होगी भारत की पहली नई विदेश नीति आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में कनुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है तो कनुमा त्यौहार जो है वह तेलंगाना राज्य में मनाया गया है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबेलो को किस देश के आर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है तो यह जो पुरस्कार है यह फ्रांस ने दिया है रोहिणी गोडबेलो को और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वह इमैनुअल मैक्रोन हैं और फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है आते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने टी ट्वेंटी में सबसे तेज शतक बनाया है तो यह जो खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन यह न्यूजीलैंड की है और इन्होंने जो कुल छत्तीस बाल पे रन बनाया है और इससे पहले जो है वह डेंडा डार्टिन ने बनाया था अड़तीस बाल पे रन और इन्हीं का रिकॉर्ड जो है सोफी डिवाइन ने तोड़ा है आ देते हैं अगला प्रश्न लो हाल ही में हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है तो यह जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है और यह सेवा जो है चंडीगढ़ और हिसार के मध्य चलेगी होगी आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया गया है तो यह जो है हर साल पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे दे. ऐसे अगला प्रश्न लोग टॉम टॉम, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा था तो यह जो है रूस का शहर मास्को है यह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर चुना गया है और इसमें जो है भारत के कुछ शहर हैं जैसे दूसरे स्थान पर जो है मुंबई है छठे स्थान पर बेंगलुरु है और आठवें स्थान पर जो है दिल्ली है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारत की पहले स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है तो इसका जो उद्घाटन किया है वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और यह जो उद्घाटन यह बेंगलुरु में किया गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक है तो भारत की रैंक जो इसमें है यह चौथी रैंक है और पहले स्थान पर जो है चाइना है दूसरे स्थान पर अजरबैजान है और तीसरे स्थान पर जो है इंडोनेशिया है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है तो यह जो है हरियाणा सरकार जो है एक फिल्म फिल्म सिटी जो है स्थापित करने वाली है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में यू एस के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है तो इसके जो उपाध्यक्ष है वह किरण मजूमदार सॉ को बनाया गया है यू एस आई बी सी के और इसका जो फुलफार्म है वह यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल यूएसआई बी सी का फुलफार्म है आई देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है तो यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह अर्जुन मुंडा हैं। हाल ही में पंडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है तो यह जो है उत्तरी कोरिया ने पंडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तरी कोरिया की राजधानी कौन सी है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से तीन लाख सड़सठ हजार परिवारों को किस राज्य ने जोड़ा है तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने जोड़ा जोड़ा है आयुष्मान भारत योजना से आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एयरो इंडिया ट्वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है तो यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है एरो इंडिया ट्वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इक्यानवा इक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो यह महोत्सव जो है गोवा में हुआ है और गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह प्रमोद सावंत हैं और गोवा की राजधानी जो है वह पणजी है आ जाते अगला प्रश्न लोग हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है यह जो पुरस्कार है यह रवि गायकवाड़ जी को प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार को आ देते अगला प्रश्न लोग अनस्क्रिप्टेड एंड कन्वर्जेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक किसने लिखी है तो यह जो पुस्तक है यह विद विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने जो संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है आज देते अगला प्रश्न लोग इस वर्ष 2021 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है तो यह जो है भारत का बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाया गया है छब्बीस जनवरी को आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में ऋण समाधान योजना किस बैंक ने शुरू की है तो यह ऋण समान समाधान योजना जो है वह एस द्वारा शुरू की गई है और एस बी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और एस बी आई के जो वर्तमान चेयरमैन है वह दिनेश कुमार खारा है दिनेश कुमार खारा आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है तो यह जो है 2040 तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया है पेप्सिको ने आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में मकर विलक्कु वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है तो यह जो त्यौहार है यह केरल राज्य में मनाया गया है मकर विलक्ु वार्षिक त्यौहार आज हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में थल सेनाध्यक्ष प्रशस्त सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो यह सम्मान जो है यह अमरेश कुमार चौधरी को प्रदान किया गया है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में साकरण का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है तो यह त्यौहार जो है वह ढाका में, में मनाया गया है साकन का पारंपरिक त्यौहार को आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो यह अभियान जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस देश को यू की अध्यक्षता मिली है तो यह जो है फिजी देश को इसकी अध्यक्षता मिली है और यू का जो फुलफार्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका जो है फुल फुलफार्म होता है आइए देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो यह जो पुरस्कार है यह अभिनेता और फिल्मकार विश्वजीत चटर्जी को प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है यह पुरस्कार प्रदान किया विश्वजीत चटर्जी को आ देते अगला प्रश्न लोग सक्षम अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है तो यह जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया सक्षम अभियान को और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं वह है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं आ हैं अगला प्रश्न लोग भारत में कोविड नाइन्टीन वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं तो यह जो है दिल्ली एम्स के सफाईकर्मी हैं मनोज कुमार इन्हें जो है भारत की पहली कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का टीका जो है लगाया गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में वन स्कूल वन आई योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू किया है तो यह जो है केरल के राज्यपाल ने शुरू किया है वन स्कूल वन आई योजना को आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग डब्ल्यू एच ओ कार्यकारी बोर्ड के एक सौ अड़तालीसवें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है डब्ल्यू एच ओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह 2.3 परसेंट की दर से 2020 में बढ़ी है आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठी बार चुने गए हैं तो यह जो है युगांडा के राष्ट्रपति जो है बने हैं छठी बार और युगांडा की राजधानी है वह कंपाला है हैं अगला प्रश्न लोग सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और यह जो मंदिर है यह गुजरात में है हैं अगला प्रश्न लोग योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है तो यह जो टूर्नामेंट है यह स्पेन के कैरोलिना मारे ने जीता है और इन्होंने जो फाइनल में ताई तुज इंग जो ताइवान के खिलाड़ी हैं उन्हें जो है हराया हरा कर जो है इसे जीता है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग डी ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की है उसका नाम क्या है तो उसका जो नाम है वह रक्षिता है जिसे जो है डी ने विकसित किया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा प्रधानमंत्री मोदी देंगे तो यह जो है असम के लोगों को देंगे प्रधानमंत्री मोदी पट्टा आज देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है निशंक को जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है कनाडा द्वारा आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है तो यह जो पुस्तक है यह राम सेवक शर्मा जी ने लिखी है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन सौ डेज इन हीर को होस्ट करेंगे तो यह जो है उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है तो यह जो है भावना कांत बनी है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला आते हैं अगला प्रश्न लो लोग किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने सबसे कम टेस्ट मैच के सत्ताईस पारियों में एक हज़ार रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं तो यह जो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं भारत के इन्होंने जो है सत्ताईस पारियों में एक रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं और इन्होंने जो है अभी हाल ही में आईसीसी ने एक अवार्ड घोषित किया है प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पहला पुरस्कार है वह ऋषभ पंत ने ही जीता है जो जनवरी 2021 के लिए दिया गया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में जो है अपना भारत देश जो है वह प्रथम स्थान पर है हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट नाम रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है तो यह जो नाम बदला है यह गुजरात सरकार ने नाम बदला है और कमलम जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह है विजय रूपाणी जी हैं आज हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रमुख कौन बने हैं तो आर बैंक के जो प्रमुख बने हैं वह विश्ववीर आहूजा जी बने हैं और आर बैंक की जो स्थापना हुई थी वह उन्नीस में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जो है मुंबई में है आते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस संगठन ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है तो यह जो है बी ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है और बी का जो फुलफार्म होता है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है आज देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है तो यह जो है आई फर्स्ट बैंक बना है जो ब्याज मुक्त नकद देने वाला बैंक बना है आज देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में पहले पक्षी उत्सव कलर का कलरव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो यह जो है बिहार राज्य में किया गया है और बिहार की जो है जमुई जिले में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पौष परबान मेला किस राज्य में मनाया गया है तो यह जो मेला है पौष परबान मेला यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में खेलो इंडिया जाम्सकर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है तो यह जो है लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया है खेलो इंडिया जानसकर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आज देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य सरकार कर रही है तो इसका जो आयोजन है यह ओडिशा सरकार कर रही है इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आए देते अगला प्रश्न लोग भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया है तो पहली बार जो है 2021 में मनाया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आज हैं अगला प्रश्न लोग किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इनका जो जन्म हुआ था वह तेईस जनवरी अठारह सौ सत्तानवे में हुआ था और हर साल जो है तेईस जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया तो यह जो है नीति आयोग ने नी जो जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह एक जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार है और इसके जो है सीईओ जो है वह जो है अमिताभ कांत जी हैं आई देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य या यूटी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है तो यह जो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है यह जम्मू कश्मीर के मशरूम को मिला है जी आई टैग आई देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो यह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन अभ्यास करेगी तो यह जो है भारत और फ्रांस के मध्य जो है यह अभ्यास होगा और यह अभ्यास जो है पाँच दिनों तक होगा और यह चौबीस जनवरी तक होगा और यह अभ्यास जो है यह जोधपुर में होगा और इसमें जो है सुखोई मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान जो है इसमें भाग लेंगे आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है तो यह जो है नेताजी एक्सप्रेस के नाम पर रखा गया है हावड़ा कालका मेल का नाम आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एक सौ कार्यकारी मंडल बैठक में वर्ष दो को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है तो यह जो है विज्ञान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2020 को और डब्ल्यू एच ओ की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वह एड रेनोम हैं इसके महानिदेशक आते अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या सौ से बढ़ाकर 150 डेढ़ सौ दिन कर दिया है तो यह जो है उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा की है देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर क्या किया कर दिया है तो यह जो है यह जो चिड़ियाघर है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो नाम बदल कर जो है बाला साहब बाला साहेब गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान अब जो है नाम बदलकर रख दिया गया है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है आज देते हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है तो यह जो है झांसी शहर में किया गया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो यह जो है खेल मंत्री अपने हैं किरण रिजिजू इन्हें जो है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में जारी विश्व के टॉप तीन सहकारी संस्थाओं की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस संस्थान का है तो प्रथम स्थान जो है वह इफ्को का है टॉप तीन सहकारी संस्थान में और इफ्को का जो फुल फुलफार्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फुलफार्म है आज देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है तो यह जो है राजस्थान सरकार ने शुरू की है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह अशोक गहलोत जी हैं अशोक गहलोत आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में सिद्धार्थ मोहनते किस संस्थान के का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो यह जो है एल के प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ मोहनती और एल जो स्थापना हुई थी यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है इसकी जो स्थापना हुई है उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई है आ हैं अगला प्रश्न लोग भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो यह जो है चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में 21 मिग ट्वेंटी नाइन बारह सुखोई थर्टी एम के आई लड़ाऊ लड़ाकू विमान भारत किस देश से खरीदने का फैसला किया है तो भारत ने जो है रूस से फैसला किया खरीदने का इन सभी विमानों को लड़ाकू विमानों को आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में शिवराजपुर बीच को विकसित करने के की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है तो इस बीच को जो है गुजरात राज्य रास सरकार ने जो है विकसित करने की घोषणा की है शिवराजपुर बीच को आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है तो यह जो है डब्ल्यू .E ने जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फॉर्म होगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है तो यह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो यह जो है गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट लाइट हाउस आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस क्रिकेटर ने की है तो यह जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं लसित मलिंगा ने संन्यास की घोषणा की है आ हैं अगला प्रश्न लोग 2019 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो यह जो है श्याम श्रीनिवास को चुना गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर के रूप में और यह जो है फेडरल बैंक के जो है सीईओ ई हैं सीईओ ई श्याम श्रीनिवासन आते अगला प्रश्न लो तन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की बैठक है तो यह जो है बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की पहल है आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि इसके मंत्री कौन है वर्तमान में आज देते अगला प्रश्न लो हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान चुना है तो टीम का जो नए कप्तान चुने गए हैं वह सेंजू सैमसन चुने गए हैं और इससे पहले जो है 2020 में जो है आईपीएल राजस्थान रॉयल्स टीम के जो है कप्तान वह स्टीव स्मिथ थे आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते में कौन सा देश फिर से शामिल हो गया है तो अमेरिका पहले बाहर हुआ था अब जो है फिर से वह जो है पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है आ देते अगला प्रश्न लोग हाल ही में दहलीज पर राशन वितरण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो यह योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है दहलीज पर राशन वितरण योजना आ देते अगला प्रश्न लोग जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ ज़िले को किस जिले से जोड़ेगी तो यह जो सुरंग है यह कठुआ ज़िले को डोडा ज़िले से जोड़ेगी जम्मू कश्मीर में आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है तो यह जो है राजस्थान की पुलिस अकादमी जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है आए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकटु कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दे दी है तो यह जो है जलीकटु कार्यक्रम होता है यह तमिलनाडु राज्य में होता है आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिकरण किस कंपनी ने किया है तो इसका जो अधिग्रहण है वह गूगल ने कर लिया है फिटबिट कंपनी का आते अगला प्रश्न लोग महाराष्ट्र ने किस जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की है तो यह जो है यर्वदा जेल से शुरू की है जेल पर्यटन पहल को आ देते हैं अगला प्रश्न लोग गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश ने जो जो है जीता है गणतंत्र दिवस परेड में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार आ देते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में पैंतीसवीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो इसकी जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है पैंतीसवीं पैंतीसवीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है इसमें जो भारत का स्थान है वह जो है छियासीवा भारत का स्थान है और इसमें जो पहला स्थान है वह न्यूजीलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है आई देखते हैं अगला प्रश्न हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 की संगठन ने जारी किया है तो इसकी जो रिपोर्ट है यह यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट को आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में आई के साथ रणनीतिक साझदारी समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किया है तो इस पर जो है अपना भारत देश ने समझौता किया है आई ई ए का जो फुलफार्म होता है जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका पूर्ण रूप है और इसमें जो है भारत ने साझेदारी की है आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सी कौन बने हैं तो इसके जो सी बने हैं वह रितेश तिवारी बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी सी का मुख्य वित्तीय अधिकारी आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में एच ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो इसका जो उद्घाटन है वह जो है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है एच एस बी सी आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में शिक्षा हर हाथ के लिए पहल एम इंडिया ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है तो यह जो पहल है यह एक्टर सोनू सूद के साथ मिलकर जो है एम इंडिया ने शुरू किया है आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में यन की चेन्नई पीठ का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है तो इसका जो उद्घाटन है वह वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो फुल फॉर्म होता, होता है यन का वह नेशनल कंपनी लॉ अपिलिएट ट्रिब्यूनल होता है वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को पूरा देखें धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत